तो भैया ये है मूडी ऑरेंज टोन, और इससे पहले हमारा इमेज कुछ ऐसा दिखता था, एडिटिंग के बाद कुछ ऐसा दिखने लगा। तो इस वीडियो के अंदर तुम भी सीख जाओगे इस ऐसी फोटोज़ को एडिट करना। इसके लिए लाइट रूम के एप्लीकेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख के अपने कैरेक्टर और सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऑरेंज नहीं करेंगे, सबसे पहले हमारा ज़रूरी है कि हम यहाँ पर अपनी पिक्स में कलर वगैरह सही करें। तो आप एक्सपोजर वगैरह सभी चीज़ों को बैलेंस करके अपने फ़ोटोज़ में सारे कलर वापस लाइए। तो यहाँ मुझे फोटो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, इसके लिए मैंने पे एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा सही करके सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की। इसके बाद मैंने यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे जाता हूँ, उसमें मैंने वाइब्रेंस वगैरह बढ़ाया, थोड़ा सा टिंट बढ़ाया, और वाइट बैलेंस को मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा सही किया, क्योंकि फिर अच्छी फोटो नहीं लगेगी क्योंकि बैकग्राउंड ऑरेंज सही से नहीं हो पाएगा। फिर कलर के ऑप्शन पे हमें यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रहा हूँ हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, तो इसके लिए ऑरेंज में जाके सैचुरेशन कम कर दी है मैंने। उसके बाद थोड़ा सा ल्यूमिनेंस बढ़ा दिया है, इससे जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका स्किन कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। उसके बाद सबसे सही वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर आपके बैकग्राउंड में ट्री जो भी आपका ग्रीन वाला एरिया है अगर वो ग्रीन कलर में है तो वो येलो हो जाएगा। फिर येलो वाले में जाके आप उसका हू कम कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा दीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो भी ग्रीन ट्रेस थे या जो भी ग्रीनरी थी वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको फुल प्रीव्यू दूंगा, बाकी आप अपने पैंट का कलर, जीन्स का कलर जो भी मैनेज कर सकते हैं वो एकदम करके कलर कलेक्शन आप और भी कर सकते हैं इसमें। अब मैं तुम्हें इसमें जो टेक्सचर वगैरह क्लैरिटी वगैरह बढ़ाओगे तब पिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने क्लैरिटी और थोड़ा सा विंटेज एज ऐड करने के बाद हमारे इमेज कुछ ऐसा दिख रहा है।